देखिए देखिए देखिए, मैम किससे बात करनी है? मम्मा ये क्या है? जिन्स है? अच्छा, ये कैसा जिन्स है? देखिए कैसा था फ्रेंड्स, बताओ कमेंट में। वाओ कूल बैग। देखो कर आवंदा मोमेंट, ये देखो ये कितना घटिया स्टैचू है। अरे सीधा रहो ना। मामा देखो चेक कर रही है, तुम सीधा रहोगी तब तो। मैं तो दिखा रही हूँ कैसा था, देखिएगा अभी मेरा। मैं आपको आईना से देखो, एक और अगर ये ज्यादा लंबा पहनाओगी ना तो अच्छा दिन दिखेगा। वो गो 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 गो, अरे गो गो। मम्मा ये बड़ों के लिए है, चलो हम अभी शूज देखते हैं मेरे लिए। ये सही लग रहा है? नहीं 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 नहीं, नहीं उतना भी ब्रांड नहीं, ये सही है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ग्लिटर भी है। बट अभी जूतियाँ मेरे पास देखिए, उसका वो होते ना था पहले वो उतर, बात अरे यार चलो चलो अरे चलो क्या क्या भैया प्लान है? चलो तब तक मैं देख लेती हूँ। अगर उसके बन रहा है 41 रुपया, मेरा बन रहा है 41। देखो देखो देखो, देखिए फ्रेंड्स ये क्या ले रही है तनीषा, पसंद करो जल्दी से। तो ये देखिए इसको ना ऊपर मतलब बच्चे लोगों का था शूज वगैरह बूट वगैरह, तो उसमें हील नहीं मिला इसे, तब यहाँ ये हील देख कर आई है, लेकिन ये बड़े लोगों का साइज में। पता नहीं क्या क्या बोल रही है। हाँ वो पीहू ही है देखा।
मुझे पता चला कि वो पीहू नहीं है, मतलब वो मेरे बेस्ट फ्रेंड को इसी अलग फेस। एक बार ये देखो पहन कर। अरे बड़े बच्चों का, चलो जल्दी चलो। चल मम्मा मुझे भी चाहिए, बच्चों का क्यों नहीं है यहाँ पर? बट नहीं, बट नहीं। अभी यहाँ टॉय शॉप में खड़ी है और देख रही कौन सा टॉय लेना है। अरे तनु जो मन सोचे मत लो, ये ले लो बेटा, इसको घर में मैच करना ये वाला। मुझे आते नहीं है ना, तभी कोशिश करोगी तब ना। सुनो ना, ले लो इसको घर में ट्राई करना। चलो पैक है ना बाबू, सुनो तब चलो फिर बाबा जल्दी से ऐड करना है ना। करो घर में बैठे टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा नहीं हो रहा क्या? अरे तूने तो खाली देखने वाला दे दिया, ये तो घूम ही ना रहा। और कितने का है ये? अरे नहीं वो नहीं घूम रहा है, खाली देखने। ऐसे करोगी तब तो होगा। हुआ अच्छा, अरे ये फीस वाला ले जाना, अच्छा लग रहा ले रो उसको। हाँ ये चलो घर में, चलिए तो मैं हम जल्दी करो बाबू। तो ये ना लड़की परेशान कर दी है, ये लोगी देखेगी सब, लेकिन क्या लेना है ये समझ नहीं आ रहा। तो ये लोगों को देखिए फटाफट फटाफट भाग रही हैं मुझे छोड़कर, पेमेंट में करने लगी तो ये लोग भागने लगे। कहाँ है इसका टक? बंद करो इसे, बंद करो जल्दी से। इससे पहले भी तुम इसको ली हो और ऐसे ही वो ना बालकनी में फेंका हुआ है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। इतना मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में हो रहा है पेन, और ये जो है मेरे सर में लगा रही है बाम, और मेरा आँख हो रहा है बंद क्योंकि जो ये बाम है ना काफी ज्यादा असरदार, मतलब वो है असरदार वाला, असरदार जलन होता है। काफी ज्यादा पावरफुल बाम है ये, और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। ये देखिए बदमाश शैतान, उधर से चूहा बिल्ली देख रही है। तो ये अभी कर रही है सेवा, सेवा कर रही है। क्या कर रही है, क्या है ये, आप लोग बताइए इसे क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं या इसको सेवा नहीं कहते, इसको कहते हैं प्यार। हाँ है, तुमको बड़ा पता है दादी। ए दादी, दादी तो उधर है। मेरा आँख खुल नहीं रहा है, मैं आँख बंद करके अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सर पे बाम लग जाएगा तो थोड़ा सा दो तीन मिनट, मतलब मेरा ऐसा है ना कि अगर एक बार सर पे पेन होता है तो हल्का सा भी अगर मैं मतलब पूरा नींद में अगर आ जाऊँगा ना, 5-10 मिनट की भी नींद अगर ले लूँगा अच्छे से ठीक हो जाता है। लेकिन दिन भर ऑफिस में नींद ले नहीं पाता हूँ, तो अभी घर पे अगर 10 मिनट भी मैं अच्छे से अगर सो जाऊँगा, सोना मतलब गहरे नींद में अगर आ जाऊँ उसके बाद कोई जगा भी दे तो फिर वो दर्द ठीक हो जाता है। पता नहीं कौन कौन सा लॉजिक है इनका। अब यार ये मेरा लॉजिक है, मेरा शरीर है। इनका शरीर नहीं, क्या है बताइए आप? ये हमारा शरीर है, है ना? शरीर तो ये भी हमारा है, ये भी हमारा शरीर है। वो आपका शरीर का अंश है। अच्छा तो है तो हमारा ही ना। हाँ वो उसको हमारा कह सकते हैं, आपको हमारा मेरा कह सकते हैं। हम लोग दो जिस्म एक जान है ना। ये तो बात सही है। चलिए बाम लगाने दीजिए उसको, उसका मैं थोड़ा सा। अरे ये पता नहीं क्यों इतना जल्दी भागने का जो सोचते हैं ना, मुझे समझ में आता है, पता नहीं भाग कहाँ जाएंगे। भाग के कहाँ जाएंगे? आँख खुल नहीं रहा है। पर मैं इनके आँख के पास हल्का लगा रही हूँ ना, बहुत स्ट्रांग है ये बाम, तो थोड़ा सा यहाँ लगाऊंगी, हल्का सा जलन होगा, फिर आँख बंद कर लेंगे, फिर तुरंत 6 मिनट तक। अच्छा मैं अपने हाथ से लगाती हूँ बाम, तो आपको अच्छा लगता है? कैसा लगता है? ये मुझे बोलते हैं ना कि तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। सच में फ्रेंड्स इसके हाथ में ना जादू है, क्योंकि शादी से पहले भी जब हम लोग मिलते थे ना, तो मेरा जब सर में पेन होता था तो मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब जब प्यार करने वाले जब आप मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, लेकिन मेरा जब सर पे दर्द होता था मैं बाम लगवाता था, सर दबाता था, और सच में बहुत रिलैक्सिंग लगता था, मतलब बहुत ज़्यादा आराम, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब एकदम छू मंत्र हो गया। सच में ये मतलब बाम, ये जो बाम है ना, बाम तो खैर इफेक्टिव है ही, उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, ये आँख अब खुल नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है।
तो लीजिए मोबाइल पकड़िए, नहीं तो फिर मैं अब शो करके उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इसका क्या धमाल मचाती है। कैसा ये है इसका स्लाइम, इसको इतने सारे टॉयज में यही अच्छा लगा, इतने ऐसे अच्छे बॉल वगैरह थे, मुझे ले लूँ, ये तुम्हारे पास नहीं है तो नहीं, ये ना इससे पहले भी खेल के फेंक दी है एक डब्बा। बाल आपका वैसे नहीं पकड़ा पा रहा है अब भी है। कभी ना मैं इसमें पानी डाल ऐसे करके खूब अच्छे से दबा देती हूँ, बहुत राहत मिलता है। पता है मैंने कभी कभी पानी डाल दी थी या फिर पाउडर, इसलिए इतनी घटिया स्मेल आती थी कि बस ऐसे ऐसे कीजिए ना बाबा, बस ऐसे कहेंगे ऐसे ऐसे कीजिए ना, ऐसे मजा आता है। तो अभी इनकी सेवा हो रही है, अभी थोड़ी देर के बाद फिर कुछ और होगा, कुछ और डांट पड़ेगा, कुछ और क्या, पहले सेवा उसके बाद डांट। चलिए फ्रेंड्स अभी ये कुछ ज्यादा पर्सनल टॉक हो रहा है। पर्सनल नहीं तो? पर्सनल नहीं है तो? उसके बाद यहाँ कुछ खुला पार्टी साइड आ रहा है मेरे, कुछ ना जरूरी बात बतानी है। क्या बताओ? अपने स्लाइम को कभी मुंह में नहीं ले सकते। एक जेली होता है जो ना एक बोतल में रहता है, ऐसे निकालो और खाओ। अभी तो बोली मुंह में नहीं ले जा सकते। अरे एक ऐसा खाने वाला स्लाइम है। अच्छा खाने वाला भी होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पता नहीं यार आजकल के बच्चे ना यूट्यूब पे क्या क्या देखते हैं समझ में नहीं आता। अभी तो यूट्यूब पे ही दिखाते हैं कितना क्या क्या। हाँ मतलब ठीक है देखना चाहिए। अभी तो यूट्यूब पे ही दिखाते हैं। हाँ लेकिन बच्चे कुछ ज्यादा देख रहे हैं आजकल। ऐसे लो और खाओ। मैं तो बड़ों के लिए बनाता हूँ ना, और बच्चों के लिए तो बच्चे के लिए भी कुछ लोग बनाते हैं, तो वही बच्चे लोग देख के सीखते हैं और वही चीज का डिमांड करते हैं कि हम मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, और इनका इसीलिए इनके सर में दर्द हो गया होगा। आज मैं इसके लिए ड्रेस ली हूँ इसे पहना कर, और फिर ट्रेलरों में से पहनाई हूँ और इनको फोटो भेजी हूँ, तो बोल रहे हैं क्या कि सर ठीक से नहीं रखी, इससे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों देखिए क्यों, मैं हूँ एक डॉगी। और ये क्या खा रही हो तुम, बोन खा रही हो ऐसे, देख लीजिए। बहुत शैतान बेटी है मेरी, मेरी की हमारी। ओ चलिए रखिए, चलिए बाय। मैंने उसको उठा पैर लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चाय लेकर आ रही हूँ अपने पति के लिए और अपने लिए, मेरे पति परमेश्वर, और ये यहाँ सोए हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं रोहित लाइफ स्टाइल का। वाह ब्लॉग है, मैं बता रही हूँ कि ये रोहित लाइफ स्टाइल का वीडियो देख रहे हैं। क्रेजी लाइफ रोहित, सच में मतलब अच्छा वीडियो बनाते हैं वो लोग, अच्छा लगता है, मतलब व्लॉगिंग उन लोगों का काफी परफेक्ट रहता है। और उठिए उठिए बेल उठिए, और ही यूज सूट फॉर ड्रोन, सॉरी ही यूज ड्रोन फॉर शूटिंग। हाँ तो उनका अच्छा, वीडियो मतलब मैं भी देखी थी अभी, मतलब शायद महीने एक महीने पहले लिया उन्होंने, और ड्रोन से काफी अच्छी शूटिंग करते हैं वो लोग। कभी आप लोगों को मौका मिले देखिएगा क्रेजी लाइफ रोहित की। बिल्कुल, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो डेफिनेटली उनको देखते ही होंगे, ऐसे थोड़े हाँ, इतने तो अच्छा उनके बहुत बड़ा उनका यूट्यूब का फैमिली है यार, बहुत इतना जल्दी कोई कैसे ग्रो करता है यार, उनके कंटेंट क्वालिटी है, कंटेंट है, क्वालिटी है, प्लस अच्छी बीवी है उसके पास, मतलब मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, उनके पास भी है, सभी के पास है, वर्ल्ड की सभी भाइयों के पास बहुत अच्छी अच्छी बीवियां हैं, मतलब बीवी तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी बीवी कितनी अच्छी है आपकी नजर से, मतलब आई होप वी होप ऑल होप कि आप ये ना बस ना ये जो होप जो कर रहे हैं ना ये बस कैमरे के सामने ही करते हैं, कैमरे के सामने ही मेरा तारीफ यार। तो अच्छा ये बताइए आदमी अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ शेयर करता है, तो मतलब कहते हैं ना दूध का झला, मतलब दूध का झला पानी भी फूक के पीता है ना कहावत, तो कहने का मतलब लाइफ में मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हुआ है तो मैं क्यों सोचूं कि किसी की लाइफ में गलत भी होता होगा। ये तो आप बताइएगा, जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस अपने हमारे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में आप बिल्कुल फ्री हैं, जो आप चाहे वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने मैरिड लाइफ से। आई एम वेरी हैप्पी विथ माय मैरिड लाइफ एंड बहुत हैप्पी।
जी क्या सारे कुछ बातें आपसे कर रहे क्या ये? बहुत हैप्पी, बहुत बहुत वेरी हैप्पी। देखिए मतलब इतना हैप्पी कि मतलब सोचिए ऐसी किसी की बीवी होगी, मतलब होगी, बहुतों की होगी। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऑफिस आने के बाद सर दबा दी, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको हेड मसाज भी कर दी, उसके बाद ये सर दबाए, उसके बाद ये क्या कहते हैं कपड़े लगे दी कि उसको पहले ठंडी लगेगी, उसके बाद कंबल लाके उड़ा दी, चाय बना के लाके दे दी, उसके बाद फिर बीच में अभी एक दिमाग खराब हो गया था तो एक वीडियो भी बनाई। तो अपना प्यार आप कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक पूछी दीजिए तो सर पे। सर पे हाँ, वो कहते हैं ना कि मतलब किस करने से ना, मतलब जरूरी नहीं है, मतलब एक होता है ना मन की जो, मतलब दिल से जो लोग प्यार करते हैं उनको ना किस, यहाँ जरूर यहाँ से मतलब नहीं है, वो सर पे किस करते हैं ऐसा हम सुने हैं। अच्छा, मतलब एकदम प्यार दुलार वाला जो होता है ना प्यार, ओले मिलो बाबू ले ओले बाबू आहा। तो वो यहाँ फोरहेड पे जो लोग देते हैं ना प्यार से, वो प्यार एक अलग होता है। मतलब वो प्यार होता है एकदम दुलारे वाला, जैसे दुलार आप करते हैं हमको, राजा बेटा वाला नहीं। हाँ मेरा राजा बेटा ओले। चाय अच्छा बनाया कभी, जो ये चाय पत्ती लेकर आया है ना उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा डालने का डालना नहीं पड़ रहा है, इलायची लौंग काली मिर्च मैं डालती हूँ, काली मिर्च इलायची तो डालती हूँ, अदरक थोड़ा सा कम हम लोग खाते हैं, ऐसे खाना चाहिए ठंडी में लेकिन थोड़ा कम खाते हैं। ऐसे नहीं बोलते सब, गलत मैसेज जाएगा। अदरक यूज करना चाहिए बट लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं लगता, तो टेस्ट में क्या थोड़ा सा ना मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म सारे लोग एग्री भी होंगे कि अदरक ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ये इतना कॉमेडी हुई है ना, तो इनके वजह से मैं नहीं डालती हूँ अदरक। क्या मतलब मेरे वजह से नहीं डालते हैं अदरक? महम्मद का मना किए लाइए, काट के दीजिए, अदरक का सैलेड दीजिए बना करके, अदरक का सैलेड खाएंगे तो जिंजर सैलेड। तो अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये आप लोगों के लिए। अच्छा जूठा चाय आप लोगों के लिए, ऐसे बस मैं लेके गई हूँ, पी नहीं हूँ। यार कैसे करते हैं देखिए आप लोग, तो इसमें से इलायची लौंग सब चीज का टेस्ट आ रहा है ना। अब कर दीजिए प्रमोशन चाय पत्ती का भी। यार अजीब हाल है, मैं कर रही हूँ क्या बताइए जरा, मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो नाम भी नहीं ले रही हूँ, क्यों लूँ नाम, यहाँ फोकट में कुछ नहीं होता है। हाँ पैसा दीजिए, पैसा देख तमाशा देख, पैसा दे, पैसा फेंक तमाशा, हाँ पैसा फेंक तमाशा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, सो के उठे ना अभी इसलिए। तो यार मुझे ना मन कर रहा है कि एकदम, मन कर रहा है क्या, मन कर रहा है हम कभी ऐसे बात नहीं करते, मुझे मन कर रहा है ना अपने इस हाथ में एकदम टैटो अच्छा वाला करवाने का, एकदम नाम नाम वाला टैटो, और मैं ना बहुत जल्द आपको इस हाथ में नाम दिखेगा किसी सम, कोई समवन स्पेशल। अब वो समवन स्पेशल मैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन वो खुद होता है। Yes, you are absolutely right. क्योंकि यार देखिए अगर हम नाम लिखवा ले इनका, कल के दिन ये अगर हमको छोड़ के चले गए तो यार मेरे हाथ में तो नाम इनका परमानेंट रह जाएगा ना, हाथ काट के हटा दीजिएगा, सिंपल, इतना नहीं होने नहीं जाएगा। तो इसलिए अपने हाथ पे तो मैं अपना ही नाम लिखवाऊंगी, या मेरी अपनी प्यारी बेटू का। यार जानते हैं मुझे ना कहीं से धुआं धुआं मतलब बदबू आ रहा है, जले की बदबू, जले की महक आ रही है। हवा निकालने कौन बोला था, ये खुद हवा निकालती है और बोलती है जलने की बदबू आ रही है। ये आदमी के सामने तो ब्लॉग बनाना ही चाहिए मुझे। ए मैं कुछ नहीं की हूँ समझ गया ना, बदनाम मत कीजिए मुझे फालतू का। ये खुशबू, ओह सुन लीजिए सुन लीजिए एक बार और, वंस मोर। फ्रेंड्स पहले भी कुछ ऐसा मैं नहीं की थी, ये बस मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे ना। मजाक था दोस्तों सच बोल रहे हैं ना। हाँ सच बोल रहा, मजाक था। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। इनको बाल कटवाने जाना है, टाइम बेचारे को मिल नहीं पा रहा है बाल कटवाने का, ऐसे तो बाल पता नहीं सोच रहा है क्या कटवाएंगे, क्या कटवाइएगा बाल में,
साइड साइड से ये सब। मुझे लगा कि अभी तो बाल छोटा ही छोटा है, अभी इसमें कटवाएंगे क्या? आप ऑफिस आके फिर धोए हैं? कालू लग रहे हैं, कालू। हम काले हैं तो क्या हुआ? हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। कहां से आई है, हटो यार। इतना प्यारी बीवी आपको कभी मिलती भी नहीं किसी जन्म में। ये कमेंट भी आया है, आपकी वाइफ क्यूट है, लकी हो भाई साहब। चलिए ठीक है, लकी हो ना आप। यार मैं लकी हूँ, इतने अच्छे वाले दुल्हा जी मिले हैं मुझे। अच्छा। तो फ्रेंड्स टाटा बाय करिए ना, बाय।